अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय वीडियो ऑन दिस चैनल तरीके टेक। तो फ्रेंड्स, टिकटॉक फंड को लेकर बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई हमको बताओ कि टिकटॉक को क्या हुआ कि उसने टिकटॉक फंड जो है वो देना बंद कर दिया। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको ये तरीक़ेकार बताऊँगा कि आप दोबारा से टिकटॉक का फंड जो है वो उसके लिए किस तरह एलिजिबल हो सकते हैं और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह आप उसमें क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह आप उसमें दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं उनका प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, जो चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि हमको थोड़ा सा इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट जो हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो आज की ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, शॉर्ट वीडियो होने वाली है। 3-4 मिनट के अंदर अंदर बात जो है ना वो कम्प्लीट कर देंगे। मैं अभी अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या यह तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार बहुत ही आसान है, आपने हमको फॉलो करते जाए और आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने चेक करना है। क्रोम हमने चेक ओपन कर लेना है जी। क्रोम पर हमने क्लिक किया और क्रोम पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इधर हम सर्च कर लेते हैं टिकटॉक क्रिएटर फंड रिक्वायरमेंट। टॉक लिखा आपने, आगे आपने लिख देना है जी क्रिएटर फंड। आप जैसे लिखेंगे और आगे आपने लिख देना है रिक्वायरमेंट्स। जैसे आप लिखेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा आपने नीचे जाना है तो आपको मैं बताता चलूं, टिकटॉक क्रिएटर फंड एलिजिबिलिटी, यू आर ओवर द एज ऑफ 18, 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। योर पोस्ट ओरिजिनल कंटेंट, नॉट शेयरिंग कंटेंट क्रिएटेड बाय अदर। आपका कंटेंट होना चाहिए, किसी और का कंटेंट भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद योर कंटेंट मस्ट अडियर टू टिकटॉक टर्म्स एंड सर्विस एंड इट्स कम्युनिटी गाइड। आपका जो कंटेंट है वो टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करता हो, उसको तोड़ता ना हो, उनके रूल के अगेंस्ट ना जाता हो। यू मस्ट हैव अ प्रो अकाउंट विद एट लीस्ट 10,000 फॉलोअर। 10,000 आपके पास फॉलोअर भी होना चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और आपका अकाउंट जो है ना वो प्रो होना चाहिए। प्रो से क्या मुराद है, जिनको नहीं पता मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करके वो वीडियो जाकर आप चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं जाकर। ठेकेदार आपको मैंने बताया अभी। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। कंट्रीज के बारे में भी हम आपको बताते चलें और ये भी हम आपको बताएंगे कि टिकटॉक कितना देता है, कितने व्यूज पर पीपल आस्क फॉर। अच्छा, हाउ मच डज टिकटॉक पे पर 1,000 व्यूज। अच्छा, एज द फॉर टिकटॉक क्रिएटर फंड यू कैन अर्न बिटवीन 2-4% फॉर एवरी 10,000 व्यूज। 2-4% आपको मिलता है, मींस कि आपको अगर मिलियन में व्यूज जाता है तो आपको $20-40 मिलता है। ओके हो गया जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो है ना वो आपको देता है 1,000 व्यूज पर $0.02। ओके हो गया, ये भी ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया। टिकटॉक क्रिएटर गेट पेड, यस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम टॉप इन्फ्लुएंसर टिकटॉक पे अराउंड 0-2। ये वही ऑप्शन आ रहे हैं बार बार। अच्छा, डज टिकटॉक पे फॉर योर लाइक के बारे में क्या बात करता है जी। टिकटॉक किसी भी किस्म का आपको लाइक का पे नहीं करता जी, ये आपने ज़हन में रखनी है बात है। और विच कंट्री कैन मेक मनी ऑन टिकटॉक, कौन कौन सी कंट्री है जो टिकटॉक से मनी अर्निंग कर सकते हैं। ज्वाइन द टिकटॉक क्रिएटर फंड, यू मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड कैन अप्लाई बिकम अ मेंबर ऑफ द टिकटॉक क्रिएटर फंड प्रोग्राम टू मेक मनी ऑनलाइन यूजिंग द दिस मेथड। एलिजिबल, यू नीड टू बी एट लीस्ट 18 रेजिडेंट्स यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन। इन 5-6 कंट्रीज के अलावा अभी तक किसी किस्म का कोई फंड नहीं किसी कंट्री को मिल रहा, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो दूसरा टिकटॉक है वो ऑब्वियसली इंडिया में तो बैन है। टिकटॉक इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसमें बहुत से दो है ना वो दूसरों का कंटेंट जो है वो एलिजिबल होने के लिए दूसरों का कंटेंट जो है वो अपलोड करते हैं और एक बार होता भी है उनको एलिजिबिलिटी भी मिल जाती है, वो अर्निंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन बार बार वो नहीं कर पाते। ये टिकटॉक मोनेटाइजेशन के बारे में, टिकटॉक क्रिएटर फंड के बारे में मैंने आपको गाइड किया, बताया।
बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।